सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम ब्रैकियोपोडा। सबसे बिफोर गोइंग टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, वी विल डिस्कस सम बेसिक मॉर्फोलॉजिकल स्टफ वाइल यूजिंग आवर हैंड्स टू इमेजिन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट। सो दिस इज़ ये कैमरा मैंने इसलिए ऑन किया हुआ है ताकि आप उसको विजुअलाइज़ कर पाएँ। देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे आपका राइट लेफ्ट हैंड है एंड राइट हैंड है, ठीक है। सो वी विल कंसिडर देम एज ए वॉल्व ऑफ द ब्रैकियोपोड सेल और ब्रैकियोपोड ऑर्गेनिज्म। सो नाउ दिस इज़ लाइक लेफ्ट वॉल एंड दिस इज़ राइट वॉल। बोथ वॉल्स आर इन इक्वल। इमेजिन करना है, ये अपने दोनों हाथ तो इक्वल है, बट ब्रैकियोपोड का जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये जो लेफ्ट वॉल और राइट वॉल है वो अनइक्वल है, बट ईच वॉल इज इक्विलेटरल एंड वेन वी कंपेयर दीज टू वॉल्स दे आर अनइक्वल, राइट। सो दे आर इक्विलेटरल बट दे आर अनइक्वल। समझ में आ गई बात? तो जैसे ये आपका एक लेफ्ट वॉल है, ये आपका राइट वॉल है। लेफ्ट वॉल इज लार्जर एंड राइट वॉल इज स्मॉलर। सो लेफ्ट वॉल द लार्जर वॉल इज वेंट्रल वॉल, द स्मॉलर वॉल दैट इज राइट वॉल दैट इज डोर्सल वॉल। सो नाउ द पेडिकल ओपनिंग इज कम्स आउट थ्रू द लेफ्ट वॉल, देन इट इज़ नोन एज पेडिकल वॉल एंड द ब्रेकियल स्केलेटन इज अटैच टू द डोर्सल वॉल, दैट्स वाई द डोर्सल वॉल इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकियल वॉल, ठीक है। सो जैसे ये दोनों वॉल जहाँ पे अटैच्ड होंगे तो ऑफकोर्स बोथ वॉल्स आर अनइक्वल। सो ये क्या होगा, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर आएगी इसकी। सो जहाँ पे मान लो ये पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर है, ठीक है। दिस पोर्सन इज एंटीरियर एंड दिस पोर्सन इज पोस्टीरियर। सो जहाँ पे ये पोस्टीरियर एंड पे दोनों वॉल मिलेंगे, ठीक है, तो जो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा इसको आप क्या बोलते हैं, हिंज पॉइंट। और इस पॉइंट को कनेक्ट करती हुई जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको आप क्या बोलेंगे, हिंज लाइन। तो पोस्टीरियर एंड पे आपको क्या मिलेगी, हिंज लाइन। अब ये हिंज लाइन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और आपकी कर्व भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी, जो आपका वेंट्रल वॉल है वो आपका लार्जर है, ठीक है। तो जब प्रोट्रूबेंस ऑफ द वेंट्रल वॉल दिस इज कॉल्ड अम्बो, ठीक है। सो अब अपने को पता है कि जो एक्सट्रीम जो राउंडेड पार्सन है जो स्टिक आउट करता है उसको आप क्या बोलते हैं, अम्बो, ठीक है। तो एक होलो केविटी बनेगी, इसको आप बोलेंगे अम्बो। जो जो एम्बो आपका लेफ्ट वॉल है, जो वेंट्रल वॉल है, उसकी अम्बो आपकी क्या होगी, बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा क्या होगा कि जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द अम्बो है दैट इज़ नोन एज बीक, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर मार्जिन पे जब दोनों वॉल आपके मिलेंगे इसको आप क्या बोलते हैं, हिंज लाइन। और जब एंटीरियर मार्जिन पे दोनों वॉल मिलते हैं इसको आप क्या बोलते हैं, कमीशर, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अभी अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कैमरा मैं कर दे रहा हूँ बंद एंड देन वी विल डिस्कस द बेसिक स्टफ ऑफ द ब्रैकियोपोडा। नाउ अब वी विल डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम एंड देन वी विल गो इन टू द मॉर्फोलॉजिकल पार्ट इन वेरी डिटेल। सो ब्रैकियोपोडा, व्हेन वी डू ब्रेक डाउन द वर्ड ब्रैकियोपोडा वी विल गेट टू टर्म्स, दैट इज ब्रैकियल एंड पोडा। ब्रैकियल मीन्स आर्म और लोफ फोर, ठीक है। सो यहाँ पे ई आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। सो ब्रैकियल मीन्स आर्म और लोफ फोर, वी विल डिफाइन द लोफ फोर लेटर, बट एंड द पोडा इज फुट। सो दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर करेक्टराइज्ड बाई आर्म एंड फुट इज कॉल्ड ब्रैकियोपोड्स, ठीक है। ब्रैकियोपोड इज इट सेल्फ ए फाइलम। तो आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अगर याद आ रही हो तो अपन ने डिफाइन किया था किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, है ना, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। सो द व्हेन किंगडम इज क्लासिफाइड फर्दर इट विल गिव ए फाइलम, ठीक है। सो ब्रैकियोपोड इज ए फाइलम, नॉट ए क्लास, नॉट ए ऑर्डर। व्हेन वी क्लासिफाइड ब्रैकियोपोडा फर्दर दैट विल यील्ड क्लास एंड देन क्लास इज फर्दर डिवाइडेड देन इट विल गिव ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ब्रैकियोपोड इज इट सेल्फ ए फाइलम, नॉट ए क्लास और ऑर्डर, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सेकेंड इज द ब्रैकियोपोड इज फर्स्ट अपियर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द कैम्ब्रियन एंड दे वर अबंडेंट इन अर्ली ऑर्डोविशन, ठीक है। सो अगर आपको ब्रैकियोपोड के लिए दोनों दी हुई हों, अर्ली ऑर्डोविशन और कैम्ब्रियन, सो बेटर टू गो विद अर्ली ऑर्डोविशन। तीसरा ये है कि जो ब्रैकियोपोड्स के ऑर्गेनिजम्स हैं दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड सेसाइल। सो दो अपन डिफाइन करते हैं, मेराइन एंड सेसाइल, मेराइन सेसाइल एंड मेराइन वेजाइल, ठीक है। तो सेसाइल मीन्स क्या हो गया, दोज ऑर्गेनिजम्स विच विल लिव ऑन द ओशन सबस्ट्रेट बाई अटैचिंग देमसेल्स टू द
substrate, like this is the substrate and or brachiopod will attached somehow to this substrate. ठीक है, सो दे आर सेसाइल विच मीन्स दे हैव नॉट कैपेबिलिटी, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मूविंग, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मोशन. सो बिट मूवमेंट विल बी देयर, बट द कंपेयर टू वेजाइल ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑलमोस्ट स्टेशनरी. ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे. दूसरा, इसमें जो एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड सेसाइल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इस तरह से पूछ लेते हैं कि चार ऑप्शन दिए हुए, पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पीसीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इसमें आप ध्यान में रखें, गेट में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेम में भी एक बार ऐसा पूछा हुआ है, सो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द मॉर्फोलॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रैकियोपोडा. सो नाउ when we talk about the grade and body plan of the organism, they belongs to triploblastic cilmate grade with oligomerous body plan. अब triploblastic means क्या हो गया, three layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. Cilmate means true cavity and oligomerous body plan means that cavity is truly segmented and each segment is carrying well defined internal organs, which means oligomerous. So brachiopods are made up of three layers possessing two cavity and that cavity is truly segmented and each segment is having well defined internal organs. इसका मतलब ये है. ठीक है, अब जो ग्रेड एंड बॉडी प्लान के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर है उसको देख लेंगे तो और डिटेल में इसको समझ में आ जाएगा आपको. सो अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट पार्ट जैसे कि पेडिकल, पेडिकल क्या होती है वी विल डिस्कस, हार्ट लाइक ऑर्गन्स, नर्व, कलेक्टिवली नोन एज लोफोफोर. सो द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लोफोफोर. ध्यान में रखना जो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर टिपिकली क्वेश्चंस ऐसे पूछे होते हैं कि लोफोफोर बिलोंग्स टू विच फाइलम, वाटर वास्कुलर सिस्टम बिलोंग्स टू विच फाइलम, जेट प्रोपल्शन सिस्टम बिलोंग्स टू विच फाइलम. तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इसको कि लोफोफोर इज ए यूनिक फीचर ऑफ द ब्रैकियोपोड फाइलम एंड लोफोफोर सिंपली डिफाइंड एज सॉफ्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सो अब जो लोफोफोर है वो सीलिया के साथ में मिलता है. सीलिया का मतलब क्या है कि उसकी जो बॉडी होगी उसके ऊपर हेयर लाइक ग्रोथ होगी और ये जो हेयर लाइक ग्रोथ है वो इस तरह से काम आती है कि जब ये वाटर पे टैप करते हैं तो क्या होता है कि पार्टिकल्स हैं वो आपके करंट के थ्रू अपर सरफेस पे आते हैं और वहाँ से ये पार्टिकल्स को गैदर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जो फूड न्यूट्रिएंट्स जो इनको लेने होते हैं वहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं और देन ये वापस एक्सक्रीट कर देते हैं. सो हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सेल. याद आ रहा होगा आपको कि इकाइनोडर्मेटा और फोरामिनिफेरा में अपन ने हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन किया था, टेस्ट. बट इन ब्रैकियोपोड द हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सेल. तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट पोर्ट, जो आपका लोफोफोर है वो एक थिन स्किन में कवर्ड रहता है. जैसे इकाइनोडर्मेटा में मैंने बताया था कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट हैं दैट दे वर इनक्लोज्ड इन ए थिन स्किन विच इज़ नोन एज एपिडर्मिस. तो ऐसे ब्रैकियोपोड में जो लोफोफोर है दैट इज़ इनक्लोज्ड बाई ए थिन स्किन नोन एज मेंटल एंड द आइदर साइड ऑफ द मेंटल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई द मेंटल इन आइदर साइड ऑफ द वॉल्स नोन एज मेंटल कैविटी. तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे. सो अब अपन आएंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो लेक्चर में, जो अपने हैंड्स को यूज़ करते हुए बताया था कि लेफ्ट वॉल और राइट वॉल बोथ बोथ द वॉल्स आर अनइक्वल बट दे आर इक्विलेटरल, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे. सो प्राइमरली ब्रैकियोपोड हैज़ टू वॉल, दिस टू वॉल्स आर अनइक्वल बट इक्विलेटरल. सो इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो जब दोनों वॉल पोस्टीरियर मार्जिन पे मिलते हैं तो उसको अपन ने क्या बोला था, हिंज लाइन. हिंज लाइन के परपेंडिकुलर जब कोई प्लेन गुजरता है तो वह ब्रैकियोपोड के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री को यील्ड करता है. ठीक है, कैसे, इसको ऐसे समझो कि जैसे ये एक आपका इक्विलेटरल पोजीशन का ब्रैकियोपोड का सेल है, तो ये आपकी मान लो हिंज लाइन है, तो ये हिंज लाइन है और ये प्लेन जो पास थ्रू हो रहा है, दिस प्लेन इज यील्डिंग ए बाइलेटरल सिमेट्री इन ब्रैकियोपोड. सो दिस प्लेन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द हिंज लाइन एंड हिंज लाइन इज सिंपली दैट वेयर द बोथ वॉल्स मीट एट पोस्टीरियर मार्जिन. ठीक है,
सो एके वॉल्व है पोस्टीरियर मार्जिन पे जहाँ मिलेंगे वहाँ पे एक हिंज लाइन क्रिएट होगी। इस हिंज लाइन के परपेंडिकुलर जब आप कोई प्लेन पास थ्रू करेंगे तो ब्रेकिपोड विल शो बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो जो ब्रेकियोपोड का जो टिपिकल ऑर्गेनिज्म है उसका इसका एग्जांपल आप समझेंगे कि जैसे ये आपका क्या ब्रेकिया, आर्म्स ऑफ द ब्रेकियोपोड, दिस इज पेडिकल, राइट, एंड ये आपकी सी फ्लोर है, नॉर्मल सी फ्लोर है, ठीक है। तो ये जो ये कौन से वाले हो जाएंगे, इनफोनल, इनफोनल, और ये आपके कौन से हो जाएंगे, एपिफोनल। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी वो है इसकी पेडिकल, ये वाली, ये पेडिकल क्या हेल्प कर रही है, ऑर्गेनिज्म को सबस्ट्रेट के साथ में अटैच होने में हेल्प कर रही है। पेडिकल होती क्या है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट द पेडिकल इज़ द फ्लेशी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स टू द ऑर्गेनिज्म टू अटैच इट सेल्फ विद सबस्ट्रेट, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ब्रेकियोपोड्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड सेसाइल, सेसाइल मीन्स क्या हो गया कि वो सब स्टेट के साथ में अटैच होकर रहेंगे, तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द अदर पार्ट ऑल्सो। नाउ ये कुछ मेरी डिजास्ट्रस पेंटिंग और क्या ड्राइंग जो भी है बोल सकते हैं। सो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे दोनों वॉल पोस्टीरियर मार्जिन पे मिलेंगे तो एक होलो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, प्रोट्रूबरेंस जो अपन उसको बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं अम्बो, ठीक है। ये डोर्जल वॉल है, ये वेंट्रल वॉल है, डोर्जल वॉल और वेंट्रल वॉल को अभी डिसाइड करेंगे। ये एक इक्विलेटरल कंडीशन मैंने दिखाई थी, ये इक्विलेटरल पोजिशन है, ये प्लेन जो आएगा ये क्या देगा, एक बाइलेटरल सिमेट्री देगा। किसके परपेंडिकुलर है ये, हिंज लाइन के परपेंडिकुलर है, ये इसकी पेडिकल है, जो पेडिकल क्या कर रही है, इसको सबस्ट्रेट के साथ में अटैच होने में हेल्प कर रही है। ये डोर्जल वॉल है और ये वेंट्रल वॉल होगा, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे अभी कि कैसे होगा ये, देखो इसको डायग्राम में, जैसे ये एंटीरियर मार्जिन है और ये पोस्टीरियर मार्जिन है, ठीक है, और ये एंटीरियर पोस्टीरियर लाइन ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री, ये वाली, ठीक है, किस में है, ये डोर्जल व्यू में, तो इसको ध्यान में रखना। दूसरा ये आपका पेडिकल वेंट्रल व्यू है, ठीक है, इसको अपन बाद में देखेंगे। अब इसमें देखो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कैमरा जो ओपन करके इसमें दिखाया था अपने हाथों से, उसमें क्या बोला था कि द स्मॉलर वॉल इज डोर्सल वॉल एंड द ब्रेकियल स्केलेटन इज अटैच्ड टू इट, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेकियल वॉल, ये थोड़ा सा माफ़ करना स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर लार्जर वॉल इज वेंट्रल वॉल एंड द पेडिकल कम्स आउट थ्रू दिस वॉल, सो ऑल्सो नोन एज पेडिकल वॉल, ठीक है। अम्बो क्या बताया था, पोस्टीरियर प्रोट्रूबरेंस, ठीक है। सो अम्बो का जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा उसको आप क्या बोलते हैं, बीक, ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, बीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट अपन चलते हैं हिंज लाइन, अगेन अपन इसको दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ जंक्शन ऑफ टू वॉल्स एट पोस्टीरियर मार्जिन, ये आपकी सिंपली हिंज लाइन है, और ये हिंज लाइन है वो स्ट्रेट हो सकती है और कर्व्ड हो सकती है। जब हिंज लाइन स्ट्रेट होगी तो इसको बोलेंगे स्ट्रोफिक सेल, और जब हिंज लाइन कर्व्ड होगी तो इसको बोलेंगे नॉन स्ट्रोफिक सेल। और जो हिंज लाइन स्ट्रेट होती है, स्ट्रोफिक सेल होती है, उसका एक एग्जाम्पल है स्पायरिफर, और कर्व्ड होगा तो उसका एग्जाम्पल होगा टेरिब्रेटुला। तो बस ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना है इसके लिए, बाकी और कुछ नहीं है। फिर आपके एक ओरिकल्स अपन डिफाइन करते हैं। ओरिकल्स क्या होता है, ईयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, कहाँ पे होता है, हिंज लाइन से होता है ये, और जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन सेल्स में ओरिकल्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, एलेट, ठीक है। जैसे ये आपका ऑर्गेनिज्म है ना, ये इस तरह से, सॉरी डायग्राम में तो एकदम डिजास्टर है अपन, ये इस तरह से है, ठीक है, ये इसकी हिंज लाइन है। तो हिंज लाइन से क्या है कि एयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस को आप क्या बोलते हैं, ओरिकल्स, और जिन ऑर्गेनिजम्स में ओरिकल्स मिलते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, एलेट, ठीक है। जो पेडिकल बार बार आ रहा है, पेडिकल बेसिकली है क्या, फ्लेशी लाइक स्ट्रक्चर है, मास स्ट्रक्चर है, मसल मसल है एक तरह की, ये जो ऑर्गेनिज्म को आप सबस्ट्रेट के साथ में अटैच होने में हेल्प करती है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो पेडिकल ओपनिंग है, जो पेडिकल है
वो एक ट्रायंगुलर ओपनिंग के थ्रू भी आती है, उसको आप क्या बोलते हैं, डेल्थेरियम। वेन पेडिकल ओपनिंग थ्रू ए ट्रायंगुलर ओपनिंग, एग्जाम्पल इसका क्या है, ऑर्थिस। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, डेल्थेरियम क्या है, एक ट्रायंगुलर ओपनिंग किसके लिए है, पेडिकल ओपनिंग के लिए। अब जब पेडिकल ओपनिंग नहीं होगी उस टाइम पे डेल्थेरियम क्या होगा, कैल्साइट प्लेट से कवर्ड होगा, इनक्लोज्ड होगा। उन कैल्साइट प्लेट्स को क्या बोलते हैं, डेल्टीडियम। व्हेन पेडिकल इज़ नॉट ओपन थ्रू दी ट्रायंगुलर ओपनिंग दैट इज डेल्थेरियम, देन इट विल इनक्लोज्ड विद हेल्प ऑफ टू कैल्साइट प्लेट्स। अरे क्या दिक्कत है यार जी, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हो गई। ठीक है, टू कैल्साइट प्लेट्स इज कॉल्ड डेल्टीडियम। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे एक फोरामेन इसमें डिफाइन करते हैं कि जैसे ये आपकी डेल्थेरियम है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर जो ओपनिंग है ये डेल्थेरियम है, और ये जो प्लेट्स हैं ये आपकी क्या है, डेल्टीडियम है। इन डेल्टीडियम प्लेट्स की क्या है कि इनवर्ड ग्रोथ होगी, इनवर्ड ग्रोथ होगी तो ये क्या करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपस में कोलेप्स करेंगे, कोलेप्स करेंगे तो क्या होगा, एक सर्कुलर डिप्रेशन क्रिएट होगा। उस सर्कुलर डिप्रेशन को आप क्या बोलते हैं, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे आप, फोरामेन। ठीक है, तो सर्कुलर डिप्रेशन जो क्रिएट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, फोरामेन। इसको और डिफाइन कर दें कि इनवर्ड ग्रोथ ऑफ डेल्टीडियम ड्यू टू एडिशन ऑफ द मटेरियल लीड्स टू कोलेप्स ऑफ दीज टू प्लेट गिविंग राइज टू सर्कुलर ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड फोरामेन। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ईजी है। ब्रैकियोपोड के फाइलम की जो मॉर्फोलॉजी है वो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉर्फोलॉजी एवर यू कैन रीड इन इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो शुक्र मनाओ। अब एक जो मैंने कमीशन बताया था कि जब एंटीरियर मार्जिन पे दोनों वॉल मिलेंगे तो उसको आप क्या बोलते हैं, कमीशर। ठीक है, अब कमीशर में क्या होगा, या तो कमीशर स्ट्रेट होगी, या कमीशर अप थ्रोन होगी, या कमीशर डाउन थ्रोन होगी। तो जब डाउन थ्रोन होगी तो इसको क्या बोलते हैं, सल्कस, सल्कस। और जब अप थ्रोन होगी तो इसको आप क्या बोलते हैं, प्लीका। ठीक है, प्लीका, यह है सल्कस एंड प्लीका। जब कमीशर डाउन थ्रोन होगी तो इसको क्या बोलते हैं, सल्कस। जब अप थ्रोन होगी तो इसको बोलते हैं प्लीका। ठीक है, तो इसके कई सारे टाइप्स हैं, जैसे एक सिर्फ एक ही सल्कस है, यूनिसल्कस, तो उसको क्या बोल देंगे, यूनिसल्केट। एक ही प्लीका है तो उसको बोल देंगे यूनिप्लीकेट, जैसे ये हो गया, ये यूनिसल्केट हो गया। यहाँ पे बाइसल्केट है, एक ये है और एक ये है, तो बीच में क्या आ जाएगा, एक प्लीका। ठीक है, ऐसे ही बाइप्लीकेट में क्या आ जाएगा, एक सल्कस। तो ये एक सल्कस रहा, ये दो प्लीका रहे, तो बाइप्लीकेट है, ये मल्टीप्लीकेट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब जो शेप ऑफ द सेल की अगर अपन बात करेंगे ब्रैकियोपोड में, तो बहुत सारे व्यूज़ हैं इसमें, बहुत सारे व्यूज़ के अलग 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 शेप शो करता है, जैसे रोम्बिक है, सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, एलिप्टिकल। ये तो क्या है कि सेल फॉर्म्स हैं इन वॉल्व आउटलाइन। कुछ क्या होते हैं, सेल फॉर्म्स फ्रॉम द साइड व्यू, तो साइड व्यू से जब देखेंगे तो ये कौन के वो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स प्लेन, है ना, कॉन्वेक्स ही कॉनकेव, और ये रेजुपनेट एस शेप्ड। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, कुछ खास इंपोर्टेंस है नहीं इनकी शेप ऑफ द सेल में। अगर GSI के एग्ज़ाम में ब्रैकियोपोड आएगा, जैसे इस बार ब्रैकियोपोड की मॉर्फोलॉजी पूछी हुई थी, तो उसके लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हिंज लाइन है, अम्बो है, तो ये किस तरह का नेचर है, इसके बेसिस पे अपन इनको डिफाइन करते हैं। तो एक बार इसको देख लेना एक बार आप अच्छे से, क्योंकि ब्रैकियोपोड हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए। सो मेरे ख्याल से ये सफिशियंट है मॉर्फोलॉजिकल पार्ट में। नाउ द से इन सेकेंड पार्ट वी विल लुक इन टू द क्लासिफिकेशन एंड द इकोलॉजी, मोड ऑफ लाइफ एंड द फ्यू इंपॉर्टेंट फॉसिल्स ऑफ द ब्रैकियोपोड फाइलम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।